देखते हुए वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है और सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसा ही किया। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर के 50,000 रुपए कर दिया है। महिलाओं के लिए 1.5 लाख तक निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के लिए भी अंतरिम बजट में घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बजट में लोकसभा चुनाव के चलते सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, खासतौर पर किसानों के साथ तो मजाक किया गया। वहीं मोदी सरकार का यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है, ये कांग्रेस का कहना है। और इसी बीच सवाल ये उठते हैं कि इस बजट में आम आदमी को क्या मिला, इस बजट में किसानों को क्या कुछ मिला है और क्या सिर्फ ये बजट चुनावी बजट है। इसके अलावा और भी कई अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित होगी और साथ में चर्चा के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो पीएम मोदी ने बजट 2019 को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को शक्ति देने वाला बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो देखते हैं। बनाने का भी फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि सही पहचान होने के बाद सरकार के विकास कार्यों का लाभ इन समुदायों को और तेजी से मिलेगा। साथियों, व्यापारी वर्ग के लिए, ट्रेडर्स के लिए कोई मंत्रालय हो, उस विचार से एक नवी व्यवस्था का विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। देश के व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स और अनेक कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआईपीपी को रिस्ट्रक्चर करके उसे विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अब ये विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि अगले दशक के अंत तक की आवश्यकताओं को और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में योजनाओं को समाहित किया गया है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरुण जी को और पीयूष जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। गोयल ने सरकार के कामों को गिनाते हुए बजट पेश किया। उन्होंने गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए कई तरह के बड़े ऐलान बजट के दौरान किए, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग में सुधार को लेकर के सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी सदन में गिनाया। यस, दो मैडम स्पीकर, एज पर कन्वेंशन द मेन टैक्स प्रपोजल्स विल बी प्रेजेंटेड इन द रेगुलर बजट। स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्पेशली द मिडिल क्लास, सैलरी अर्नर्स, pensioners and senior citizens need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Therefore will not be required to pay any tax. As a result,
result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 lakh tak jab aap ye investment karte ho, to 6.5 lakh tak bhi koi tax nahi aayega agar aap investment karte ho, specified savings. Spouses. Further, the TDS threshold for deduction of tax on rent is proposed to be increased from 1,80,000 to 2,40,000. अगर आप rent 2,40,000 तक होता है तो TDS की जरूरत नहीं पड़ेगी. To the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of notional income tax on rent, income tax on notional rent on unsold inventories from 1 year to 2 years from the end of the year in which the project is completed. कभी हमारे पास किसी के पास कोई घर है अभी बिका नहीं है, कोई ऑफिस है बिका नहीं है, तो एक साल के बाद नोशनल रेंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, वो 2 साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई. जीएसटी रजिस्टर्ड एसएमई इकाइयों को 1 करोड़ के इंक्रीमेंटल लोन पर अब 2% ब्याज की छूट मिलेगी. सरकारी उपक्रमों में एसएमई से सोर्सिंग की आवश्यकता को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है. उधर मोदी सरकार के इस बजट पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है. कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट करार दिया है. 3 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा. और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार राफेल मामले पे चुनाव होगा. द सर्जिकल स्ट्राइक इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ विद मिस्टर मोदी एंड द गवर्नमेंट. इज गोइंग टू बी वन सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर द अदर ऑन राफेल, ऑन डिमोनेटाइजेशन, ऑन जॉब्स, ऑन एग्रीकल्चर. देखिए, मुझे तो ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट लगा. उसमें तो कुछ खास नहीं, एक अच्छी बात है ये मिडिल क्लास के लिए जो एक वोट ऑन अकाउंट होता है. जो वित्त मंत्री होते हैं वो इन 2 महीनों के लिए सदन से वो धनराशि प्राप्ति का आवेदन करते हैं ताकि सरकार के 2 महीने के खर्चे चला सकें चुनाव तक, और जो भी सरकार बनेगी चुनाव के पश्चात वो सरकार फिर पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं एक बजट के माध्यम से. इस बार मैंने देखा कि ये वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट ना होके एक चुनावी घोषणा पत्र को दोहराने का काम उन्होंने किया है. और तमाम जो सारी बातें यहाँ सामने आई, अरुण जेटली जी ने 2014 में ये कहा था कि हम इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख करना चाहते हैं. आज भी जो घोषणा हुई है वो अगली सरकार में निर्भर करेगा, जो अगली सरकार चुनकर आएगी वो हुई 5 लाख की वो सीमा को बढ़ा सकते हैं. ये प्रपोजल है, इसमें अभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि अगली सरकार करेगी. और इन्होंने जो 5 साल में भारत कहाँ जाएगा, 10 साल में भारत कहाँ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो एक उल्लेख किया है रोड मैप का, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी. और जितना भी ये अब कर रहे हैं, ये लगातार 3 स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी रही नहीं. इन सब बातों को छुपाने के लिए एक प्रकार और जाते जाते जुमले देकर गए हैं. एमएसएमई की कई बार बात की, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेकिन 5 साल तक जो इंस्पेक्टर राज रहा उसके बारे में कोई चर्चा. तो केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट आज पेश किया गया और इस बजट में सभी का ध्यान रखने का दावा किया गया. और इस बजट के बाद अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सवाल यही है कि इस बजट में आम आदमी को आखिरकार मिला क्या है, इस बजट में किसानों को क्या कुछ मिला है, क्या ये बजट रियल एस्टेट को मंदी से निकाल पाएगा, क्या ये सिर्फ एक चुनावी बजट है. ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे. और सीधे इस वक्त हम रुख करते हैं जयपुर स्टूडियो का, जहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रताप राव कुछ खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं. जी प्रताप जी. हाँ हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद. कुल मिलाकर
मोदी सरकार का अंतिम बजट, इससे पहले तो कहा जा रहा था अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट की भी बात हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से पूरा बजट के तौर पे ही सामने आया है। कुल मिलाकर इसमें तमाम घोषणाएं हुई हैं जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। सबसे बड़ी घोषणा जो है इनकम टैक्स में जिस तरह की छूट दी गई है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में जो मध्यम वर्गीय जो बड़ी आश पाले हुए था मोदी सरकार से, उनकी आशा पूरी हुई है। दूसरी ओर किसानों को लेकर जो एक बात कही जा रही थी, 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होंगे हर साल, तो वो एक बड़ी घोषणा है इस बजट में। पहली बार पीयूष गोयल ने अपना बजट पढ़ते हुए की। इस बजट में तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जिनका सीधे सीधे आने वाले 2019 के चुनाव से ताल्लुक भी है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि किसान जवान और जो नवयुवक है वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर डिस्ट्रेस में है, और उन सबकी जो मांगों को लेकर इसमें कहीं ना कहीं कोई घोषणाएं हुई हैं। आखिर में इस बजट का क्या असर रहने वाला है, ये बजट देश को कितना आगे ले जाने वाला है, क्या जिस तरह की मुसीबतों से जिस तरह की समस्याओं से तमाम अलग अलग वर्ग जूझ रहे थे, क्या उनकी समस्याओं को ये सॉल्व करता है या उस दिशा में आगे बढ़ता है, ये सारे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम आज अपनी बड़ी बहस में कहीं ना कहीं उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सोमानी, साथ में हैं कांग्रेस के नेता सुरेश धाकड़ और अर्थशास्त्री अर्थ के मामलों के विशेषज्ञ सीएल यादव साहब। क्योंकि मामला अर्थ का है तो मेरा मानना है कि यादव साहब, मेरा सवाल पहले ही आपसे है कि इस बजट को आप कैसा कहेंगे? पहली बार जो है पीयूष गोयल ने यह बजट रखा, खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे और एक नेता के तौर पे उनका ये जो पहला बजट था किस तरह का था, उनकी जो डिलीवरी थी, उनका जो बजट प्रस्तुत करने का तरीका था वो कैसा था, कैसा लगा और आम जनता को इसमें क्या मिला है? यादव साहब, सब जैसा आपने कहा कि ये इस सरकार का अंतिम बजट था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में लगा कि ये अंतिम बजट नहीं था, अंतिम बजट कह सकते हैं या छठा बजट था। जहां तक कि अपन कैसे, क्या इसका इफेक्ट है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस है, क्या इसका इफेक्ट आएगा, बाकी यदि बात करें तो मिलीजुला असर है। यदि मीडियम टैक्स पेयर की बात करें, मीडियम क्लास टैक्स पेयर की बात करें, तो उनके लिए ये है कि बहुत बड़ा चुनावी जो कह सकते हैं कि प्रतिफल, चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उनको रिटर्न है कि उनकी जो आय है 5 लाख रुपए तक की करियो की आय इस बजट में कर मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये समझते हैं कि जैसा वित्त मंत्री जी बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब 6.5 लाख वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 8.5 लाख वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बाकी एग्जम्पशन वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो बजट भाषण में एक चीज सामने आ रही थी कि साहब 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई गई है, तो जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया तो जो चीज है, जो एक्सपेक्टेशन थी है कि टैक्स पेयर को कि सब जो बेस लिमिट बढ़ेगी 2.5 लाख से 3.5 लाख होगी या 5 लाख होगी, कहीं न कहीं वहां पे उसको हताशा मिली है इस बजट से। क्यों क्यों साहब, यादव साहब बेस को तो बढ़ा दिया है कि 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया। नहीं साहब, बेस को नहीं बढ़ाया गया यहाँ पे, धारा जिस तरह की बात है, देखिए ये बड़ा स्पष्ट करना जरूरी है, आप आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जिस तरह का खुलासा हुआ है, तमाम आर्थिक विशेषज्ञ देश भर के कह रहे हैं कि 2.5 लाख की सीमा को 5 लाख तक कर दिया है, फिर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 50,000 रहेगा, 5.5 लाख हो गया है, फिर 1.5 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट छूट है उसमें है तो लगभग 7 लाख रुपए हो जाती है, फिर जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में करते हैं 50,000 तक की वहां छूट है, और जो हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वहां 2 लाख तक की छूट है। तो कुल मिलाकर इस तरह का जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, यादव साहब आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर कोई किसी की इनकम 9.5 लाख तक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका निकालता है तो उसको 9.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर मेरे पास से फाइनेंस बिल है और फाइनेंस बिल की कॉपी है और उसमें जो बात की गई है उसमें बताया गया है कि 2,50,000 रुपए तक टैक्स नहीं होगा, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% की दर लगेगी, और जो 5 लाख से 10 लाख है तो सब ये ऐसे करेंगे सर मेरे पास
फाइनेंस बिल की कॉपी है सर, फाइनेंस बिल की कॉपी है। आज का 2019-20 का बजट जो प्रस्ताव है उसका फाइनेंस बिल की कॉपी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 5 लाख रुपए तक की जो आय की कर मुक्ति की घोषणा की गई है वो धारा 87A में 12,500 रुपए के कर मुक्ति की बात की गई है, कर राहत की बात की है उन्होंने, कर स्लैब को चेंज करने की बात कहीं भी नहीं की गई है। इसमें धारा 87A जो कर मुक्ति की बात करती है, कर छूट की बात करती है, उसमें जो 2,500 रुपए पिछले बजट में की गई थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 12,500 किया गया है। मैं इसका विकास जी यादव साहब ने तो बिल्कुल अलग बात बोल दी। यादव साहब जो बात कहना चाह रहे हैं, 3 करोड़ लोग टैक्स दायरे से बाहर हो गए, 2.5 लाख से जो सीमा बढ़ाकर 5 लाख की है, जो 5 लाख जो सीमा की है उसमें जो टैक्स देना पड़ता था उस टैक्स की जो कैलकुलेशन जो यादव साहब करना चाह रहे हैं वो कैलकुलेशन जोड़ के बता रहे हैं। बात को स्पष्ट करने की मैं ये कहना चाहूंगा कि 2.5 लाख के बाद जो टैक्स का दायरा था वो बढ़ा के 5 लाख किया, 5 लाख तक की जिसकी आई है उसको टैक्स से सोमानी साहब टैक्स के दायरे को बढ़ा करके 5 लाख नहीं किया गया, टैक्स के दायरे को बढ़ा के 5 लाख नहीं किया गया, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग जो टैक्स पे करने वाले जिनकी स्थिति, जो बार बार छूट का जो दायरा बढ़ाने की बात कर रहे थे, जिस प्रकार 50,000 रुपए की जो छूट का दायरा जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने 50,000 की लिमिट बाद में बढ़ाई 2 से 2.5 की, आज 2.5 से जो 5 लाख की जो लिमिट बढ़ाई गई है जिसको हर जगह सराहा जा रहा है, और मध्यम वर्ग के लिए जो अमूमन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रिटर्न बढ़ते हैं उनको अपना टैक्स पे करना होता है, चाहे वो 3.5 लाख हो, 4.5 लाख हो या 5 लाख तक हो, अधिकतर जो तबका कहीं है जिनको अपना कर से राहत मिलने के लिए वो 5 लाख सीमा जो बढ़ा की गई है उसके सदन में इस बात को कहा गया है। जो बिल आप कहना चाह रहे हैं उस बिल में जो 12,500 रुपए आप जोड़ रहे हैं वो कैलकुलेशन यादव साहब आप स्पष्ट कीजिए कि 12,500 की जो कर राहत है तो 2.5 लाख से जो 5 लाख सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर आपका क्या मानना है कि इस जो टैक्सेशन को लेकर जो जिस तरह की बात उठाई आपका क्या सोचना है? प्रताप जी, पहले तो जी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बढ़ाया है। जी जी, वित्त मंत्री ने वहां पे घोषणा करी कि 5 लाख तक की, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला था जिनकी 5 लाख तक की टैक्सेबल आय है जी। उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख नहीं करी है, ये प्रोपेगंडा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम सारे डिडक्शन के बाद 5,10,000 रुपया भी है तो आपको 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत क्लियर है, अगर फाइनेंस आप बताइए 4,90,000 है या 4,90,000 बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको यहाँ पर रिटर्न भरने से छूट नहीं है, पहली चीज। आपको रिटर्न भरने से छूट तो लीजिए, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी भी 2,50,000 है, आपको जो 12,500 रुपए का टैक्स है वो धारा 87A के अंदर छूट दिए। यहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है। यदि यहाँ पे आप मानिए किसी की 10 लाख की इनकम है, टेक्निकल देखिए देखिए आम आदमी, आप आम आदमी टेक्निकल बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर जनता को विकास सुनिए, ठीक है, ये बड़ा एक टेक्निकल चीजें है, इसमें आपस में उलझ के नहीं रहना है यादव साहब। ये कुल मिलाकर निश्चित तौर पे एक नई बात आई है यादव साहब, लेकिन मेरा एक मानना है कि देखिए किस धारा में दिए इससे ज्यादा, लेकिन क्या आम आदमी को उसका लाभ मिल पाएगा, ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर। ये तो पहले ही बता चुका कि आम टैक्स पेयर के लिए, जो मध्यम मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए नो डाउट एक बेनिफिट है, लेकिन जो विकास जी कह रहे हैं कि साहब बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई उसके ऊपर हमारा विरोधाभास है। यादव साहब ये बताइए कि ये जो जो लाभ है इसे लेने के लिए आम आदमी को क्या करना पड़ेगा, मैंने उसको अपने इनकम को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सर। टैक्स प्लानिंग अलग पार्ट है, यहाँ पे आम आदमी की कर मुक्ति की आय सीमा है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगना है, 5 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम है तो 20% की दर से टैक्स लगना है 10 लाख तक की सीमा पे, और 10 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम है तो उस पर 30% टैक्स लगना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है फाइनेंस बिल, यहाँ पे कोई लिमिट में फेरबदल नहीं किया गया है। जो राहत की बात है वो ये है कि सरकार ने ये कहा है कि जिनका आज 5 लाख रुपए तक है तो उन लोगों को 12,500 रुपए की राहत सरकार कर छूट में दे रही है,
तो दोनों में बड़ा फर्क है। यदि अपन फाइनेंस टैक्स टर्म्स की बात करें, यानी कि टेक्निकली तो टैक्स लगेगा लेकिन वो छूट दे दी गई। हाँ, छूट दे दी गई है। यहाँ पे क्या है, अच्छा यादव साहब, ये तो एक टैक्स की बात हुई, इस क्योंकि बजट बड़ा है तो बजट में और ऐसी क्या बातें जो आम आदमी के जीवन पर असर डालेंगी या जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको मीट आउट करती हैं या नहीं कर पाती हैं, ऐसी और क्या बातें हैं? सब जहां जॉइंट फैमिलीज, भारत एक जॉइंट फैमिलीज का देश कहा जाता है, जहां जॉइंट फैमिलीज होती है और वहां पे क्या होता है कि परिवार जैसे जैसे बढ़ता है तो एक नैतिक दायित्व बनता है परिवार के जो गार्जियंस है उनका, कि उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। और कई बार ये होता है कि रहने के लिए एक से ज्यादा यूनिट उनको करनी पड़ती है, या कि बिजनेस के कारण या किसी दूसरे कारण से उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है और वहां पे दूसरी यूनिट उनको लेनी पड़ती है। तो अभी तक क्या प्रावधान था कि एक से ज्यादा किसी के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर उनको नॉमिनल रेंट मानते हुए उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता। लेकिन अभी इस बजट में प्रस्तावित किया गया कि यदि दो भी प्रॉपर्टी है और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उनके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर नॉमिनल रेंट कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक आम करदाता के लिए राहत की बात है। इसके अलावा दूसरी बात है कि जो रियल एस्टेट में जो डील करते हैं बिजनेस पर्सन एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए धारा 23(5) में एक प्रावधान है कि एक साल के बाद में कंप्लीशन के एक साल के बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीशन के एक साल के बाद में उनको नॉमिनल जो स्टॉक है उस पर नॉमिनल रेंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो एक साल की सीमा को बढ़ा करके उन्होंने 2 साल की कर दी। सुरेंद्र जी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से राहुल गांधी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि लगभग ये चुनावी बजट है लेकिन इससे कोई फायदा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के पहले सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है कि ये सारे के सारे चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है और इसका कितना असर चुनाव पे पड़ेगा? प्रताप जी, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ ये चुनावी बजट है। वोट ऑन अकाउंट में हमेशा जो है सरकार अपने एक्सपेंडिचर के लिए बात करती है, कभी भी टैक्स प्रपोजल्स नहीं देती है। इन्होंने इंटरिम बजट कह के और एक तरीके से फुल बजट यहाँ पे पेश किया है। 56 दिन की अभी ये सरकार है, अगले वित्त वर्ष में 56 दिन की सरकार जो है पूरा बजट पेश नहीं कर सकती। वोट ऑन अकाउंट की जगह इन्होंने अकाउंट फॉर वोट की बात करी है, क्योंकि जब हम 2014 का आप इंटरिम बजट देखेंगे तो वहां पे वित्त मंत्री, उस टाइम के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने बिल्कुल कहा था कि जो है हम पुरानी जो कन्वेंशंस को देखते हुए किसी भी तरीके का टैक्स प्रपोजल, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल या कोई टैक्स प्रपोजल हम नहीं दे रहे। यहाँ पे सरकार ने जो टैक्स प्रपोजल दिया है उसमें जनता के साथ में कई तरीके का धोखा किया है। अभी यादव साहब ने 2 चीजें बताई कि नॉमिनल रेंट पे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्च 2014 से पहले किसी भी तरीके से नॉमिनल रेंट के ऊपर किसी भी तरीके की टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। आप बिल्डर जिसका मकान इन्वेंट्री अनसोल्ड रह गई, उस इन्वेंट्री के ऊपर 2015 के बजट में वित्त मंत्री जेटली जी ने ये टैक्स लगाया कि यदि आपकी इन्वेंट्री अनसोल्ड है और कंप्लीशन के एक साल बाद है तो हम आपको उस पर रेंट मानते हुए किराया टैक्स लेंगे। एक तरफ तो जो है बिल्डर अपना फ्लैट नहीं बेच पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहा, बैंक का किराया जो लोन नहीं चुका पा रहा और ऊपर से आप टैक्सेशन का भार ला दिया। अब केवल यहां पर जो आपने पहले एक साल का कंप्लीशन था उसको आपने 2 साल कर दिया। ये नॉमिनल रेंट, आपके पास कोई कमाई नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, उसके ऊपर भी आप टैक्स लेंगे। दूसरा एसओपी के लिए जो यादव साहब ने कहा था, तो एसओपी के ऊपर भी जो है ये नॉमिनल रेंट के ऊपर टैक्सेशन का सिस्टम अगेन जो है मोदी सरकार लेके आई है। यहाँ पे उन्होंने पहले क्या था, यदि आपके पास में एक से ज्यादा घर है, चाहे वो अपने काम में ले रहे हैं चाहे वो खाली पड़ा है, तो हम उसके ऊपर नॉमिनल रेंट मानते हुए उस पर टैक्स लेंगे। तो ये आपका जो टैक्सेशन का जो प्लान है, आज आपने कहा जी 2 पे नहीं लेंगे लेकिन 3 है तो फिर हम आप पे टैक्स लेंगे। मैं भी आपके पास आऊंगा कुल मिलाकर बजट को लेकर, क्योंकि बजट निश्चित तौर पे आने वाले हैं चुनाव, और चुनाव के पहले निश्चित तौर पे कोई भी सरकार जनता को अपनी ओर करने के लिए कुछ ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं करती है। इस बजट में भी काफी ऐसी घोषणाएं हैं, और आखिर में उन घोषणाओं का राजनीतिक असर क्या होगा, क्या चुनावी असर होगा, क्या मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा और मतदाता क्या वापस अपना विश्वास बताएगा, तो ये सारे प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरकार का
अपने कार्यकाल का अंतिम बजट था, बजट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आखिर में चुनाव के पहले का बजट है तो चर्चाएं होनी लाजमी है, लेकिन इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट जिसे कहा गया, अंतरिम बजट के जरिए जिस तरह के पिटारे को खोला गया, जिस तरह से तमाम अलग अलग वर्गों के लिए घोषणाएं की गई, क्या उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्या उसका राजनीतिक असर पड़ेगा, क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये सब चर्चाएं हमारी जारी हैं। हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सोमानी, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र धाकड़ और अर्थशास्त्री सीएल यादव साहब। विकास जी, मेरा सवाल है कि ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि एक तो वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए था, आपने उसे पहले अंतरिम बजट कहा, लेकिन अंतरिम बजट जैसा कुछ नहीं था। अंतरिम जो वित्त मंत्री के द्वारा पूरा बजट प्रस्तुत किया गया, पहली बात तो ये, तो क्या ये सोच के कि क्योंकि जिस तरह से किसानों के डिस्ट्रेस के बारे में कहा जा रहा था, जिस तरह से मध्यम वर्ग को लेकर जो चिंताएं थी वोट बैंक को लेकर, क्या उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी घोषणाएं हुई है, क्या इसका कोई चुनाव ये सर पड़ेगा, इसका कोई लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? राव साहब, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने जब नेतृत्व का पदभार संभाला था, उसके बाद आप देखें कि देश की अर्थव्यवस्था का 11वें नंबर पे स्थान था, उसके बाद आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 6ठे नंबर पे। दूसरी बात जो कहना चाह रहे हैं, बार बार जिसको आम जनता सराह रही है, सभी आम जन इस बात को समझ रहे हैं कि टैक्स के दायरे को किस तरह से बढ़ाया गया। जो कांग्रेस सरकार वर्षों से 50,000 नहीं बढ़ा पाई, उस 50,000 बढ़ाने के बाद आज 5,00,000 तक की जो करदाता को छूट दी जा रही है, उस बात के लिए तहे दिल से आम जनता स्वागत कर रही है। पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह आंकड़ों को घुमाया जा रहा है, आम जनता सुनिए, आम जनता सीधी सीधी एक बात समझती है कि हमें राहत क्या मिल रही है। आप जिस तरह से टैक्स को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आम मतदाता को सीधा सीधा क्या लाभ हो रहा है? किसानों की बात को आप समझिए, सबका साथ सबका विकास की बात को अगर बात करने की कोशिश की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने के रूप में पीयूष गोयल जी ने जो अपना बजट दिया है, उसमें किसान, गरीब, युवा, रक्षा का बजट आप देखें, आप किसी भी बजट को आप देख के, चाहे रक्षा का बजट 3,00,000 करोड़ से बढ़ाकर जिस स्थिति में लाए, आप यकीन करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का मामला हो, किसानों की ऋण सीमा का मामला हो, चाहे एसएमई के 2% की उसकी छूट का मामला हो ब्याज पे, और जो रेरा की बात करना चाह रहे हैं, रेरा को जो एक बिल्डर की जो बात करना चाह रहे हैं, उसको जिस प्रकार से पारदर्शी बनाया गया है कि आम बिजनेसमैन एक सही तरीके से काम कर सके, उसके काम करे, उसके बाद ऋण की व्यवस्था की गई। अब इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग आए, 3,80,00,000 के लगभग, 3.5 करोड़ के लगभग जो आईटीआर बढ़ के 6.5 करोड़ हो गई, 94% के बराबर जो लोगों ने स्वीकार किया कि आईटीआर से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। भारत देश एक विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है, उसको धाकड़ साहब नहीं देख रहे हैं, और बार बार इस बात को कह रहे हैं 2 मकान भी दे दिया, 3 मकान भी दे दिया। भारत में जिस तरह से सबके आवास पे टैक्स क्यों ले रहे हो, खाली पे टैक्स, आप देखिए जो बिजली बिल्डर की से भी टैक्स ले रहे हो, आपकी बात सुनिए, जो बजट में जो फाइनेंस की जो व्यवस्था की गई है, चाहे वो फसल बीमा से संबंधित मामला कहा गया हो, चाहे किसी प्रकार का आम जन को हित पहुंचाने की बात की गई हो, वस्तु कर में 38 वस्तुओं के जीएसटी से बाहर किया गया, जो आम जन के रोजमर्रा के आम जनहित की बात, सभी पहलुओं के एक बजट दिया गया, पारदर्शी बजट ये तो टैक्स पे छूट की बात है, लेकिन एक बड़ी जो घोषणाएं जो हुई है वो ये है कि किसानों को, एक जो सीमांत किसान, जो मध्यम दर्जे का किसान जिसके 2 हेक्टर से कम जमीन है, 2 हेक्टर तक जमीन है, उसको 6,000 रुपये पर हर साल एक डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो घोषणा हुई है, लगभग 75,000 करोड़ रुपये का सरकार पे सालाना भार आएगा, एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से और एक किसान को सहूलियत की दृष्टि से आपको क्या लगता है? एक अर्थशास्त्री की, आप बिल्कुल राजनीतिक अपने उसको छोड़कर एक अर्थशास्त्री के तौर पे बताइए कि इसका कितना सरकार पे भार पड़ेगा, वो कैसे करेगी, दूसरा किसान को क्या इससे लाभ हो सकेगा? जी प्रताप जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया जी, कि सरकार कैसे व्यवस्था करेगी, क्योंकि जो टैक्स रिलीफ्स है उससे एक तरफ सरकार की रेवेन्यू कम होने वाली है, दूसरी तरफ जो फ्रीबीज है वो भी, आप 75,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो यदि किसान की इंडिविजुअल बात करें, 2 हेक्टर वाले किसान की बात करें, तो 6,000 रुपए उसको 3 किस्तों में मिलेगा, 2,000 रुपए, तो उसकी यूटिलिटी क्या है? यदि अपन अर्थशास्त्र की बात करें तो उस 2,000 की उस किसान के लिए यूटिलिटी क्या है आज महंगाई के दौर में, जहां पे अपन यदि 8,00,000
तक कि आय वालों को गरीब मान तो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको तो किसान को कितना देना चाहिए था उसको क्या सर, ये सरकारों की ये पॉलिटिकल डिसीजंस है, अपन पॉलिटिकल डिसीजंस में नहीं जाए। लेकिन के तौर पे बताइए कि आपको क्या लगता है कि 6000 की जगह ये कितने, ये 20,000 30,000 50,000 कितने, आप समझ सकते हो कि जहाँ पे 8 लाख तक की इनकम वाले आर्थिक रूप से गरीब है, 1 लाख तक की इनकम वाले जिनको राइट टू एजुकेशन है, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे को एक बताइए, 6,000 रुपए आपको कम लग रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ की जो बाहर पड़ेगा उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा यहाँ पे देश के हित में कि आप जो भी फ्रीबीज देने की कोशिश कर रहे हो उसको एज ए इंसेंटिव कनेक्ट करो उसको। आप फ्रीबीज दे करके, जैसे कि अभी ऋण माफी हुई तो एक बहुत बड़ी क्रिटिसाइज हुई कि साहब ये यादव साहब आप मेरे को लगता है कि आप मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे तौर पे देखिए मैं एक आप अर्थशास्त्री के तौर पे, लेकिन देखिए तमाम लोग जो लोग कह रहे हैं, तमाम लंबे समय से डिमांड भी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी थी कि निश्चित तौर पे डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए किसान। आप उसकी रीजनेबल इंसेंटिव, ये किसान का इंसेंटिव है कि वो किसान बना रहे और जमीन पर अपनी मेहनत करे, ये उसका 6,000 रुपए इंसेंटिव। सर आप उसको उस प्रोडक्शन से लिंक करना चाहिए ना, जो भी आप दे रहे हो 6,000 दे रहे हो 12,000 दे रहे हो उसके प्रोडक्शन से लिंक करो उसकी। मान लो ओला पड़ गया, बरसात नहीं हुई और प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है सर, उसके लिए नहीं है ना। ठीक है, 12,000 मुझे लगता है यादव साहब 12 करोड़ ओला वर्षा का नुकसान नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब देखिए, मेरा एक मानना है कि ये भी एक बड़ी चुनावी घोषणा जैसी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जाके राहुल गांधी ने भी ऐसी घोषणा की थी कि मिनिमम इनकम गारंटी की एक बात की थी, ये कहीं ना कहीं किसान को एक मिनिमम 6,000 की इनकम। आपको क्या लगता है कि इसके जरिए क्या सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावी लाभ लेने की कोशिश की, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंदर 6,000 रुपए दे के कोशिश करिए, लेकिन आप हकीकत यह है कि किसान का सम्मान नहीं किया है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों का अपमान किया है कि 17 रुपए दिन के अंदर आपको सब्सिडी दी जा रही है और 17 रुपए दिन के अंदर 500 रुपए महीने के अंदर आप एक किसान ना बीज खरीद सकता है, ना खाद खरीद सकता है, ना कोई ना पकौड़े तल सकता है, ना पकौड़े खा सकता है। आपके पास आऊंगा तब। दूसरा जो है एक बार बार डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, आपने कहा कि 6,000 रुपए, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार होगी तो कितने रुपए दे देगी? देखिए ये कितना देना चाहिए आपको, कोई अंदाजा होगा ना? हम जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिनिमम इनकम की जो है आपको एक कितनी और उसके लिए हमारे चुनावी घोषणा पत्र आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। अंदाजा होगा ना, आप 6,000 को कम बता रहे हैं। 6,000 से होता क्या, 500 रुपए महीने में क्या होता है साहब? कुछ नहीं होता। आप क्या देंगे बताइए ना। हम हमारा जब चुनावी घोषणा पत्र, आपने इस बजट को चुनावी घोषणा पत्र के रूप में काम में लिया है, जब हमारा चुनावी घोषणा पत्र आएगा तो हम आपको बताएंगे कि हम कितना मिनिमम हर व्यक्ति को यहाँ पे देंगे। विकास जी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि आखिर में 17 रुपए डेली से क्या होता है। आपने किसान की बात तो उठाई लेकिन किसान के ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, ऐसे कैसे चलेगा? किसानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो निरंतर विभिन्न योजनाएं लागू की है, जो धाकड़ साहब बार बार कहना चाह रहे हैं इनके पास कोई एजेंडा नहीं, ओनली प्रोपेगेंडा, ये कहना चाहते हैं। अरे आपने क्या दिया किसानों को बताइए। सबसे पहले अगर राजस्थान में भी ऋण माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आपस में बात मत कीजिए, देखिए बहस को होने दीजिए, एक एक करके बोलिए, आपके पास मैं फिर आऊंगा। एक दूसरे को आपस में मत कीजिए क्योंकि वहां दर्शक सुन नहीं पाएंगे आपकी, बस केवल आपस में आप भिड़ते रह जाएंगे। दर्शकों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपस में मत भिड़िए जी। विभिन्न योजनाओं के लिए, चाहे ग्रामीण विकास की योजना हो, जिस प्रकार से डायरेक्ट जो सीधा पैसा देने का किसानों के खाते में जाने की जो व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है, बार बार कांग्रेस एक बात कहती है 6,000 दिया उड़ के बिमेजरा, ये इतना दिया आपने कर भी मुक्त किया तो ये। अरे आप मुझे ये बताइए कांग्रेस क्या बैठे हैं, आपका कोई एजेंडा, कोई फिगर या किसी कोई आंकड़ों की आपकी कोई बात तो हम आपका, अरे घोषणा पत्र जो बनता है उस घोषणा पत्र का इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रकार के वादे जो किए हैं वो 2014 से लगातार इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। जितने संशोधन लोकसभा में हुए, जितने अमेंडमेंट हुए, और
चाहे बेनामी संपत्ति कानून हो, चाहे 3.5 लाख जो कंपनियां जो फर्जी रूप में कार्य कर रही थी उनके फर्जी उनको किया गया और डिटेन किया गया, और उन तमाम लोगों को जो आम जन जिनको अधिकार था, किसान की बात चल रही है। ये इतना जो 6,000 रुपए सालाना, ऐसे बड़े सवाल भी उठ रहे हैं तमाम की, 6,000 रुपए बहुत कम है। देखिए उसके लिए आप बताएं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाएं जहां राज्य सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जहां केंद्र सरकार उनसे जुड़ी हुई किसानों के लिए, आप मुझे बताइए कि पशु बीमा योजना तक की, दुर्घटना बीमा योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, अब सिर्फ 6,000 का भी वो एक लाभ दिया गया, वो भी एक सरकार ने दिया, सरकार केंद्र सरकार और यहाँ जब राज्य सरकार थी तो निरंतर किसानों के प्रति ही हमेशा समर्पित रही, चाहे खराबे का मामला हो जिसको 33% बढ़ा के 50% किया, और कांग्रेस एक बात को भी जब वर्तमान में जब ऐसी स्थिति आई तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ाते हुए इन्होंने जब इस माफी वाली बात को आगे बढ़ाने को इस तरह कार्य किए। यादव साहब लगता नहीं है कि देखिए पहली बार कहीं ना कहीं एक ये तो दर्ज हुआ कि एक जो कैश एक्सपेंडिचर है किसान का, सीमांत किसान का, बड़े किसानों की नहीं, ये बात हो रही है 2 एकड़ जो 2 हेक्टेयर भूमि जो लगभग 3.5 एकड़ भूमि होती है, लगभग 2 हेक्टेयर भूमि के किसान को उसको 3 फसलें उसकी अगर होती हैं तो 2,000 रुपए हर फसल के लिए उसको बीज खाद और ये खरीदने के लिए दिए जाएं, ऐसी सोच के साथ क्या लगता नहीं है कि ये जो शुरुआत हुई ये ठीक है? नहीं, हो सकता है कि ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन आपको उसको रियलिस्टिक मेहनत में देखना पड़ेगा। शुरुआत कहीं से भी हो लेकिन इसमें और ऐड हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें एडिशन और क्या कॉन्स एंड कॉन्स भी देखने पड़ेंगे? जी जी हाँ, कॉन्स एंड कॉन्स पे देखने पड़ेंगे। आज की मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 2,000 रुपए में यदि किसान बाजार में खाद लेने जाता है तो मैं समझता हूँ 1 कट्टा खाद का नहीं आएगा। 2 एकड़ वाला किसान है वो, सर 2 हेक्टेयर का मतलब 8 बीघा जमीन होगी, सर 8 बीघा जमीन होगी, उससे रीजनेबल 15,000 से 20,000 रुपए बुआई पे खर्च होते हैं, उसका ट्रैक्टर की बुआई है, दूसरे के खर्चे हैं, तो रियलिस्टिक आपको यदि असिस्ट करना है कैश, सर आपको असिस्ट करना है तो असिस्ट के और क्या जोड़ सकते हैं कि रियलिस्टिक में आना पड़ेगा, ग्राउंड रिपोर्ट्स के ऊपर आना पड़ेगा। एक अपन ये कि चुनावी वर्ष आ रहा है कि एक जो कैश एक्सपेंडिचर है 2, मैं समझता हूँ 2 हेक्टेयर के किसान के ऊपर एक फसल के ऊपर 25,000 से 30,000 रुपए का खर्चा होता है, और अल्टीमेटली किसान का, हाँ 2 हेक्टेयर के किसान पे रियलिस्टिक में अपन जाएंगे तो 25,000 से 30,000 रुपए का खर्चा होगा। कैश एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं साहब अपन, यदि रियलिस्टिक में जाएंगे क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स भी है, फर्टिलाइजर्स भी है, आपके उसके हायरिंग चार्जेस भी है, सर मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं हकीकत आपको फैक्ट पे आना पड़ेगा सर। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यदि आपको इनको जस्टिफाई करना है तो अलग बात है, लेकिन अपन फैक्ट पे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप पहले एक बार जो पॉलिसी बना रहे हैं उनको गांव में एक बार भ्रमण करना चाहिए किसानों के साथ। सर मैं तो हर वीक किसानों से कांटेक्ट होता हूँ। एक चीज डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे बड़ी सवाल तो ये उठ रहा है कि जिस तरह से देखिए आम तौर पे परंपरा थी, उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार जो जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि 56 दिन की सरकार है, अगर मैं 56 दिन की सरकार अगर कोई वादा करके जाती है और वो लौटती नहीं है तो आखिर में वो वादा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की या जो भी पार्टी आएगी उस समय सत्ता में उसकी हो जाती है। क्या ये लगता नहीं है कि एक जो पॉलिटिकल जो एक परंपरा है जो एक उसको तोड़कर एक गलत काम किया है सरकार? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से देश की स्थापित परंपराओं को तोड़ने का काम कर रही है, देश के स्थापित संस्थाओं को तोड़ने का काम कर रही है। यहां पर इनको किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो अपनी मर्जी करेंगे। वोट ऑन अकाउंट लाना चाहिए था, इसके अपने जो है 4 महीने के जो खर्चे अप्रूव कराने चाहिए थे, इन्होंने पूरा बजट दे दिया, चुनावी भाषण पढ़ दिया। यहाँ पे एक मैं आपको एक थोड़े दूसरे मुद्दे पे ले चलता हूँ। बार बार जो है वित्त मंत्री जी हर चीज में बोलते थे यह जॉब क्रिएशन हो गया, यहाँ पे एयरलाइन में जॉब क्रिएशन हो गया, इसमें जॉब क्रिएशन हो गया। अरे साहब, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोजगारी बढ़ गई है, 45 साल के हाईएस्ट एवर पॉइंट पे पहुंच चुकी है। उस हताशा को छुपाने के लिए बार बार वित्त मंत्री जी जो है जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं को जो है किसी तरीके का जो है मदद नहीं है, युवाओं को जो सपने चकनाचूर किए जा रहे हैं उसके ऊपर कहीं किसी का ध्यान नहीं है।
यहाँ पे एक प्रधानमंत्री जी ने जब मुद्रा लोन की घोषणा करी थी और अभी वित्त मंत्री जी ने भी अभी अपने बजट भाषण में बताया था कि जो है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो है रोजगार देने वाले बनिए, रोजगार मांगने वाले बनिए। तो मैं उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आपको जरा एक ऐसी हकीकत बताना चाहूंगा कि जो दर्शकों को पता चलेगा इस मुद्रा योजना के तहत किस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। वित्त मंत्री जी ने आज ही बताया है कि 15.60 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा लोन के तहत लोन दिया गया है। अब मैं आपको मुद्रा लोन क्या है, मुद्रा लोन में तीन तरीके के लोन दिए जाते हैं, एक तो शिशु ऋण 50,000 तक का, एक दूसरा आपका किशोर ऋण 5 लाख रुपए तक का और एक युवा ऋण 10 लाख रुपए तक का। हकीकत यह है 90% से ज्यादा जो लोन मुद्रा लोन के अंदर 50,000 से कम के दिए गए हैं और लोन की जो एवरेज टिकट साइज है वो 22,500 रुपया है। आप 22,500 रुपए में किस तरीके से एक व्यक्ति व्यापार करेगा, और जब उसकी व्यापार करेगा तो बैंक उस पर आरओआई कैलकुलेट कर रहा है 20%। 22,000 के लोन पे आपकी इनकम आती है 4,000-4,500 रुपए, या एक 4,000-4,500 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति कैसे रोजगार देगा। आपने एक व्यक्ति को 385 से 400 रुपया महीना कमाने वाला तक छोड़ दिया, तो ये मुद्रा लोन की हकीकत है। यहाँ पे बेरोजगारी आपने जो बढ़ाई है, लोगों को जॉब क्रिएशन नहीं किए। अब एक मिनट विकास जी, मैं आ रहा हूँ विकास जी बड़ा एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि ठीक है तमाम बातें तो सही हैं लेकिन बेरोजगारी तब तेजी से बढ़ रही है और रोजगार को लेकर युवाओं को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। राव साहब, पहले तो मैं धाकड़ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुद्रा लोन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया और लोगों को मिला भी सही, उससे इनकम भी जनरेट हुई। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, कि जिस प्रकार से सरकार जो काम कर रही थी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और जिस तरह से एकदम जी पारदर्शी सरकार, पारदर्शी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि हर आदमी को उसकी आमदनी जो जरूरत है वो उतनी मिलनी चाहिए, उसका एक शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआत को आगे तक पहुंच चुकी। और इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इतने लोगों को लोन मिला और इतने लोगों को लोन मिलने के बाद डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू बिजनेस हुआ। जब छोटे लघु उद्योग वाले थे, कोई छोटे छोटे फुटकर व्यापारी थे जिनको जैसी आवश्यकता है वैसा लोन मिलता गया, पर लोन बांटे गए। अब आप सुनिए सुनिए उसके बाद जब जिस तरह से देश का एनवायरमेंट बना और जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या पूर्व में भी चली आ रही थी, और एक बात बहुत बड़ी इन्होंने कही जो आपने राव साहब एक गंभीरता से बात कही कि पूर्व में जो सरकार जाती है उसके बाद जो नई सरकार का जो दायित्व है, और ये जो पहले वाली आपने बात बताई, ये जरूर नहीं है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस नहीं आएगी, जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी केंद्र में। जो बात कहना चाह रही थी मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि जब मुद्रा स्फीति 10.1 के लगभग हुई थी कि मुद्रा स्फीति काबू करना हमारे बस की बात नहीं है, हम मुद्रा स्फीति काबू नहीं कर पा रहे हैं। जब मुद्रा स्फीति जिस प्रकार से 2014-15-16 में आज जो स्थिति है जो काबू हुई और कई चीज को कंट्रोल करने में एक बार वाइब्रेशन जरूर आया कि अप एंड डाउन का, बाकी स्थितियां जिस तरह से धीरे धीरे देश अर्थव्यवस्था एक विकास की ओर बढ़ रही है और जिस तरह से एक अपना आईडी प्रूफ के साथ, आधार कार्ड के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं जिनकी डायरेक्ट बेनिफिट भी सीधा ट्रांसफर हो रहा है, ये जरूर समय लग रहा है कि कुछ चीजें बदलने में, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे यूआईडी हो, चाहे किसी भी चीज को एक लिंकअप करने के लिए समय जरूर लगा, उसका हम इस बात को महसूस करते हैं। बाकी जो सीधे सीधा बेनिफिट हो रहा है, जिस तरह से आज आम आदमी अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो दस्तावेजों में, वो डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है, ये बजट का बहुत बड़ा। विकास जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आपकी सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार जो यूपीए 2 थी, जब वो गई थी 2014 में, तो महंगाई की दर बहुत तेजी से थी। आज पीयूष गोयल ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो एकदम उन्होंने कहा कि हमने कमर तोड़ महंगाई की ही कमर तोड़ दी। अब क्या लगता है, क्योंकि ये तो आंकड़े बताते हैं कि निश्चित तौर पे उस समय जो महंगाई की दर थी डबल डिजिट में थी, जो इस बार निश्चित तौर पे 5% से कम रही, 4.5% के आसपास रही। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि जब यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने हर उसके पायलट प्रोजेक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। आधार इन्होंने इतना पानी पीपी के विरोध किया था कि आप सोच नहीं सकते। आज वही आधार लाइफलाइन है देश की। मनमोहन सिंह जी का विजन था, वो आधार लेके आए, वो आज भारतीय जनता पार्टी उसको उस विजन को पूरा था। आज पहले कोसते थे, आज एफडीआई, हम एफडीआई 49% लेके आ रहे थे तो इन्होंने चारों तरफ भारत बंद करा दिया, कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज एफडीआई की बात करें तो आज 100% एफडीआई ये परमिट कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, यहाँ पे आपको आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी का फर्क जो है हमेशा। जीएसटी को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पुरजोर विरोध किया करते थे, लेकिन आप जीएसटी लेके आए, हमने उसमें आपका साथ दिया, बिना
हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी जब आप विपक्ष में थे विरोध करते थे, आप अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को जो है आगे बढ़ाए। एक बजट में जो वित्त मंत्री जी ने अपनी बहुत पीठ थपथपाई है, लेकिन जो काला अध्याय है देश का वो कहीं नहीं जिक्र किया। वो मैं आपको बताता हूं, इस देश के ऊपर चार साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35 लाख करोड़ का नया कर्जा लाद दिया, हर देशवासी को नया कर्जदार बचा दिया। वो 35 लाख करोड़ का क्या किया ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया नहीं है। देश के ऊपर 35 लाख करोड़ का नया कर्जा है। धाकर साहब, क्योंकि कुल मिलाकर ये चुनावी बजट, क्योंकि चुनाव के पहले का बजट, आपको क्या लगता है कि कुल मिलाकर आज जो पीयूष गोयल का जो बजट था जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका क्या किसी भी पार्टी को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है चुनाव पे कितना असर डालेगा? सब देखो, चुनावी विश्लेषण करना ये पार्टियों का काम है। नहीं, आपको क्या लगता है एक कॉमन मैन की तरह, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कोशिश ये की गई है कि इससे चुनावी फायदा लिया जाए। अब जनता कितना उसको कंसीडर करती है, कितना वो आने वाला समय बताएगा, चुनाव बताएगा, चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन कोशिश चुनाव की के देखते हुए की गई है। वरना जो धाकड़ साहब कह रहे थे कि वोट फॉर अकाउंट हो गया, ये वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए, वोट फॉर अकाउंट हो गया कुल मिलाकर जिस तरह से, क्योंकि ये जैसे ही बजट पूरा हुआ तो ऐसा कहा गया कि कांग्रेस इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पा रही है। क्या लगता है कि जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी को कुछ और चेंज करने के लिए कुछ मजबूर किया है? देखिए, कांग्रेस का विजन क्लियर है, दलित, मजदूर, किसान, वंचित हर व्यक्ति को, एक बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को फायदा देना ही कांग्रेस का मकसद है। ये आज यदि इनको वाकई में किसानों को और इनको फायदा देना होता तो पहले साल में ये काम करते, अंतरिम बजट में ये काम नहीं करते। दूसरा, एक वित्त मंत्री जी ने एक और बड़ा नोटबंदी को लेकर पहली बार 2.5 साल बाद में एक बात करी कि ब्लैक मनी, तो मैं आपको दो आंकड़े देना चाहूंगा। ब्लैक मनी के जो कर्व की बात करी थी कि हमने, विकास जी ने बताया कि बेनामी संपत्ति एक्ट में सिर्फ 6,900 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है, नोटबंदी में 21,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ था। और नोटबंदी के समय देश के, इन्होंने कहा जी हमने कैश ट्रांजैक्शन को कर्टेल कर दिया, नोटबंदी के समय आरबीआई की रिपोर्ट कहती है 17,56,000 करोड़ रुपया पूरे देश में चलन था सभी तरीके के नोटों का। आज की 25 जनवरी 2019 को 20.67 लाख करोड़ रुपया चलन में, यानी आपने तो कैश का इनफ्लो बढ़ा दिया, 2,000 रुपए का नोट चला के आपने जो है ब्लैक मनी को कर्टेल करने की जगह ब्लैक मनी को बढ़ावा देने का काम किया है। 20,67,000 करोड़ रुपया कैश में। डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पर विकास जी, आपसे अंतिम वो की बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन जनता तो पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखेगी। लगातार 5 साल में हर बार अमेंडमेंट होते रहे, 2014 में जब सत्ता संभाली उसके बाद से जो भी बजट पेश किए गए उन बजटों में निरंतर आम जनता को हित में रखते हुए हर बार नए कानून और नए प्रावधान रखे गए। और जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि 6,900 करोड़ के लगभग की जो संपत्ति डिटेच की है, तो आप ये देखिए 1,30,000 करोड़ की संपत्ति डिटेन की जा चुकी है कालाधन को किस तरह से। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो आज आईटीआर की जो स्थिति बनी है कि जो 1 करोड़ संख्या आईटीआर की नोटबंदी के बाद बढ़ी, कि जो पैसा ट्रांसपेरेंट और जिस तरह से घूमने लगा और देश की अर्थव्यवस्था मोबालाइज दिखने लगी है और देश नई विकास की गति पकड़ रहा है, तो आप इस बात को गंभीरता से लें कि जो जिस तरह से देश में यह बात जरूर है कि जब बहुत बड़ा अमेंडमेंट होता है तो कुछ एक ठहराव सा आता है, पर चेंज होने के बाद जो देश आज जिस तरह से गति और जिस तरह से व्यापार को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर, तो उसको आप महसूस करेंगे, आम जनता इस बात को महसूस कर रही है। और जितने भी जो प्रावधान गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पिछड़ा, महिला, सभी के लिए प्रावधान किए गए, सभी के लिए एक्ट लाए गए, चाहे महिला हो, 3 तलाक संबंधी, तो मैं हर मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, हर मुद्दे के लिए एक विषय रखे। और आप देखिए, वन रेक वन पेंशन का जो काम किया उसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया, कांग्रेस सरकार कहती है हमने ये, आप एक भी चीज को लागू नहीं कर पाए। और आप कहते हैं आधार कार्ड के लिए हम विरोध करते थे, जब नंदन नीलकणी जी ने उस बात को कहा था उसके हेड थे कि भाई ऐसा वातावरण भी डेवलप करो जिससे हम इन सबको लागू कर सके, वो वातावरण डेवलप किया। कुल मिलाकर जो इस बात पे तो सब एक राय है कि ये चुनावी बजट था, इसी तौर पे चुनाव को ही ध्यान में रखकर तमाम तरह की घोषणाएं हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चुनावी
वर्ष में इस तरह का चुनावी बजट लाने का राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जनता को जवाब देना है, चुनाव की जल्दी ही घोषणा होगी, कभी भी घोषणा हो सकती है, उसके बाद चुनावी मैदान पे सारी पार्टियां जाएंगी, क्या जनता इन सब बातों को ध्यान में रखेगी और इन बातों को ध्यान में रखकर किस तरह से अपना वोट देगी, ये अभी जनता के अंदर मन में छुपा है, इसका चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, हालांकि इस बात पर सब लोग सहमत हैं कि कोशिश बहुत की है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं हमारे स्टूडियो।